बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडी चैप्टर 2, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, पाकिस्तान रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। और आज के इस लेक्चर में पाकिस्तान का जिस कंट्री के साथ हम रिलेशन पढ़ेंगे वो है जी हमारे पास इंडिया। इंडिया से रिलेटेड हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों के बारे में पता भी है, कुछ कॉमन इश्यूज पाकिस्तान के इंडिया के साथ क्या है हमें उसके बारे में भी पता है। तो आज इस लेक्चर में हम पता करेंगे जी कि पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा रिलेशन पहले था, अब कैसा है, और फ्यूचर में हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का आपस में ज्योग्राफिकली किस तरह से लिंक्ड है, कौन सा बॉर्डर लिंक करता है, हिस्ट्री में क्या हुआ, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया रिलेशन अच्छे करने के लिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या काम किया। तो आज इस एक छोटे से लेक्चर में हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने उसी पुराने तरीकेकार के मुताबिक रीड आउट करते जाएंगे, साथ साथ आपको हेडिंग्स भी मार्क करवाती जाऊंगी। और जो हेडिंग आपके टेक्स्ट में से मार्क नहीं होगी वो साइड पे आपके स्क्रीन पे राइटअप भी कर दूंगी, ताकि आप लोगों को लिखने में अगर डिक्टेट में कोई इश्यू हो तो वो आप लोगों को कोई मसला ना आए। स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। और आज पहला रिलेशन हम डिस्कस करेंगे जी पाकिस्तान का इंडिया के साथ। पाकिस्तान इज अ पीसफुल इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और सबसे अच्छी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी यही है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान हैज ऑलवेज सॉट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद इट्स नेबर। द फॉलोइंग इज एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये आपके पास ये टू लाइन्स का एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो आप लोग हर कंट्री के रिलेशन को एक्सप्लेन करते वक्त आप इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे सकते हो जो कि आप मेंशन करोगे जब कोई भी आपने आगे रिलेशंस पढ़ने हैं, ईरान के साथ पढ़ेंगे, चाइना के साथ पढ़ेंगे, या जो भी अभी इंडिया के साथ हम पढ़े, तो आप लोग इंट्रोडक्शन की इस लाइन में पाकिस्तान का इंट्रो दोगे बिल्कुल एक शॉर्ट सा। पाकिस्तान एक पीसफुल इस्लामिक कंट्री है जिसकी कैपेबिलिटी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और हैज ऑलवेज सॉट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद इट्स नेबर। यानी कि पाकिस्तान ने कभी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा यही कोशिश किया कि एक पीसफुल फ्रेंडली रिलेशन जो है वो अपने हमसाया ममालिक के साथ कायम किए जा सके। सबसे पहले है जी इंडिया, और इंडिया के बारे में सबसे पहले ज्योग्राफिकली उसका जो है वो व्यू पॉइंट बताया जा रहा है कि वो क्या है। इंडिया इज पाकिस्तान नेबर, पहले हम रीड आउट करेंगे उसके बाद हम हेडिंग को मार्क करेंगे या फिर मेंशन करेंगे। India is Pakistan's neighbor. The existence of Pakistan has emerged from the subcontinent. Therefore, many aspects of Pakistan's history, geography, and culture are common with India. The length of the common border between the two countries is about 2163 kilometers. और length of common border क्या है दोनों countries के दरमियान 2163 किलोमीटर्स की लेंथ है। और ये आपके पास एक एमसीक्यू भी आता है, और यहाँ पे आप हेडिंग दोगे पाकिस्तान नेबर्स। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी पाकिस्तान नेबर, जो कि हेडिंग है मैं आपकी पिंक हाइलाइटेड से शो करूंगी पाकिस्तान नेबर। और ये हमारी हेडिंग जो होगी वो इस टेक्स्ट में से ही आ जाएगी, पहले पॉइंट की आपके पास हेडिंग आ जाएगी पाकिस्तान नेबर। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया शुड बी वेरी क्लोज, डीप रूटेड एंड स्टेबल। इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या हमें कह रहा है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशन किस तरह से होना चाहिए, बहुत दोस्ताना, क्लोज, डीप रूटेड एंड स्टेबल होना चाहिए। बट दिस गोल कुड नॉट बी अचीव्ड सिंस द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैनी इश्यूज हैव बीन अनरिजॉल्व्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया हैज ऑलवेज बीन पुशिंग पाकिस्तान बैक टू वॉल, बट विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी एंड डिटरमिनेशन ऑफ द पाकिस्तानी नेशन एंड आर्म फोर्सेस, दिस कंट्री हैज ऑलवेज सेफ प्रोटेक्टेड। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन क्या करती है, कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहा जाता है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक इस्टेब्लिश करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने जब भी कोई ऐसा काम करने की कोशिश की तो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहा। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला का करम है जो पाकिस्तान आज तक कायम है, वरना इंडिया ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी कि वो पाकिस्तान को डिग्रेड कर सकते, पाकिस्तान को बैक पुश कर सकते, वॉल कर सकते। तो ये अल्लाह ताला की वजह से ही हमारा पाकिस्तान कायम है और पाकिस्तानियों का डिटर्मिनेशन है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग देंगे, अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अनरिजॉल्व इश्यूज जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आ गई जी आप लोगों की हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं जी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशन इज मोर इन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैश। द फर्स्ट वॉर वॉज फॉट इन 1948 ऑन द कश्मीर फ्रंट। अब वॉर्स का जिक्र हो रहा है कि पहली जंग पाकिस्तान और इंडिया के कब हुई,
हुई थी 1948 में ऑन द कश्मीर फ्रंट। इन दिस वॉर द पाकिस्तानी पीपल ट्राइबल वॉरियर्स एंड आर्म्ड फोर्सेज ब्रेवली फेस्ड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। दे नॉट ओनली सक्सेसफुल डिफेंडेड द मदरलैंड बट ऑल्सो लिबरेटेड सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन। ट्राइबल वॉरियर्स प्ले अ लीडिंग रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट। दे रीच द इन द विसिनिटी ऑफ द श्रीनगर, जो कि वहां पे एक इलाके का नाम है। यहाँ पे आपकी हेडिंग बनेगी आपके टेक्स्ट के अंदर से जो आप देंगे, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैश। हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैश। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं और उसमें क्या कहते हैं जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक द डिस्प्यूट टू यूनाइटेड नेशंस वेयर सिक्योरिटी काउंसिल पास्ड अ रेजोल्यूशन ओवर द सीज फायर। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कौन थे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू took the dispute to the United Nations where Security Council passed a resolution for the ceasefire. Pandit Jawaharlal Nehru admitted in the Security Council that he would give Kashmiris right of self-determination. But later, India did not keep its promise. On the night of the September 6, 1965, war broke out between India and Pakistan on the Lahore, Kasur and the Sialkot fronts. So India, 6 September ki jo jang thi, wo kahan shuru hui? On the night of the 6 December 1965, ऑन द लाहौर कसूर एंड द सियालकोट फ्रंट्स पे ये जंग जो है वो छिड़ी थी। पाकिस्तानी आर्मी ब्रेवली रिस्पॉन्डेड टू द इंडियन अटैक्स एंड पुश्ड द एनिमी बैक। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी, वॉर ऑफ 1965। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे वॉर ऑफ 1965। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी, इन दिसंबर 1971 वॉर वंस अगेन ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन दिस वॉर इंडिया वॉज आउट विद अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। They had the support of a segment of the local population, organized, equipped, and trained by India of the East Pakistan. As a result of this war, Pakistan lost its eastern part. East Pakistan emerged as the world map on the December 16, 1971, under the name of Bangladesh. ये आपका next point के war of 1971 और उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने East Pakistan जो अपना खो दिया था और उसमें पाकिस्तान का जो east part है वो वर्ल्ड मैप पे इमर्ज हुआ एज द नेम ऑफ द बांग्लादेश, उस कंट्री का नाम आया। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे वॉर ऑफ 1971, वॉर ऑफ 1971 एंड इमर्जिंग ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे एंड इमर्जिंग ऑफ बांग्लादेश ऑन वर्ल्ड मैप। ये आपकी हेडिंग आएगी वॉर ऑफ 1971 एंड इमर्जिंग ऑफ बांग्लादेश on world map. Next aapke paas hai ji, beside war India created many other problems for Pakistan. The scene saw relations between the two neighbors. India created water problem for Pakistan by stopping the water of rivers flowed down to the Pakistan. To sabse bada masla kya inhone baad mein create kiya, Pakistan ka pani rokna shuru kar diya tha. India refused to give the Pakistan share in the common assets of the pre-partition days. Questions were raised on the issues of the affiliation of the states. Furthermore, India raised disputes in the respects of the border and boundaries. Leadership of India has never shown the readiness to resolve the disputes. यहाँ पे आप लोगों के पास heading आएगी water issues. यहाँ पे आप heading देंगे जी water issues. Water issues. यहाँ पे आपके पास next heading आएगी जी water issues. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इश्यूज वर डिस्कस्ड बिटवीन द टू कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रेड बस सर्विस एक्सचेंज ऑफ द डेलीगेशंस एंड द करतारपुर कॉरिडोर। तो कौन कौन से उन्होंने डिस्कस किए जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इश्यूज कौन कौन से दो कंट्रीज के दौरान, ट्रेड बस सर्विस एक्सचेंज ऑफ द डेलीगेशंस एंड द करतारपुर कॉरिडोर। पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज ऑल्सो वॉन्ट दैट resources of the spent on the war to be spent on the solving the problems of the Pakistan people. Without settling Kashmir issue permanently, peace and good relation based on the mutual understanding are not possible between the two countries. तो यहाँ पे आप heading देंगे थे confidence building issues, जो कि मैं pink highlight करूँगी, आपके text में से heading आएगी confidence building issues. और last आपका point है जी, according to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Kashmir is the lifeblood of Pakistan. So just solution to the Kashmir issue is essential for the establishment of the cordial relations between the two states. ये आपसे पूछा जा सकता है कि हम इस तरह से एक अच्छा रिलेशन इंडिया के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आप बताएंगे कि तब ही हो सकता है जब हमारा कश्मीर का मसला हल होगा, तब ही हमारा इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक जो है वो इस्टैब्लिश होगा। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी, कश्मीर द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से आपकी हेडिंग आएगी जी कश्मीर, उसके बाद सेमी कॉलन डालेंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। उसी के साथ हमारा इंडिया के साथ जो रिलेशन हमने पढ़ा वो कंप्लीट हो गया। दफा रिव्यू करते हैं दोबारा जी। सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास कि पाकिस्तान
इंडियाज नेबर, या आपने बताना है उसकी कॉमन बॉर्डर लेंथ कितनी है जी, 2160 किलोमीटर। सेटिंग हेडिंग थी हमारे पास सेकंड पॉइंट पे, अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, के बहुत सारी कोशिश करता है इंटरनेशनल मीडिया के उनका जो है रिलेशन अच्छा स्टेबलाइज हो सके, लेकिन बहुत सारे अनरिजॉल्व इशूज हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो ये अच्छे मामला जो है उनके दरमियान तय नहीं पाए जा रहे। थर्ड पॉइंट पे आपके पास हेडिंग आएगी जी हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैलाशेस, जिसमें 1948 की वॉर आएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में वॉर ऑफ 1965 आएगी। फिफ्थ पॉइंट में आपका आएगा जी वॉर ऑफ 1971 एंड इमर्जिंग ऑफ द बांग्लादेश ऑन द वर्ल्ड मैप। नेक्स्ट है सिक्स्थ हेडिंग आएगी आपके पास वाटर इश्यूज। नंबर सेवन्थ इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इश्यूज एंड द लास्ट इज द कश्मीर द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। उसी के साथ आप लोगों का आज का लेक्चर और आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने आज सबसे पहला रिलेशन डिस्कस किया पाकिस्तान का उसके नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों का आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस को भी डिफिकल्ट क्वारी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।